अब स्थानीयहरूले काम पाउनु पर्छ। अब यस्तो टेक्निसियन काम स्थानीयहरूलाई सिकाउनु पर्छ। कारण दार्जिलिङ अनि कालेबुङमा काम गर्ने हो भने नेपाली भाषा जान्न जरुरी छ। जीटीए स्वास्थ्य विभागका कार्यकारी सभासद अरुण सिन्चीले आज कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा डायलोसिस सेन्टरको उद्घाटन कार्यक्रम सकेपछि अस्पतालको ल्याब भ्रमणको क्रममा जिल्ला अस्पतालका म्यानपावर एजेन्सीलाई उक्त निर्देश दिएका छन्। यसका साथै टेक्निसियनमा स्थानीयहरूले नै मौका पाउनुपर्नेमा उनको जोड़ थियो। यहीं का डॉक्टर लोग बाहर लिख के भेज देता है। नहीं, वो प्राइवेट से आता है। प्राइवेट से आता है तभी तो। रिपोर्टिंग कैसे होता है? इस पेशेंट का दिखाना क्या हो रहा है? सीसी ब्रेन हो रहा है कि L4-L5 हो रहा है? इसका सर एलएस एलएस हो रहा है ना, एलएस स्पाइन हो रहा है। दिखाओ, गैप है कहाँ पर है? ये है, दो में है, L4-L5 है। ओपीडी पेशेंट है या एडमिटेड? ठीक है, पेशेंट के साथ बिहेवियर कैसा है आप लोगों का? अच्छा है, एकदम कुल्ली बोलता है, नेपाली बोलना आता है? किन आउँदा फर्स्ट तो समझ में आउँदैन? कति भयो यहाँ काम गरे? एक वर्ष में नेपाली बोल्न आउँदैन? तिमीहरूको को छ यो एजेन्सी को? नम्बर दे न मेरे, मलाई नम्बर दिनु। यहाँ लोकल हाल्नु पर्छ, लोकललाई सिकाउनु पर्छ काम। अब नेपाली बोल्ने चाहिन्छ हामीलाई, यहाँ सिकाउनु पर्छ होइन? जो नेपाली बोलता है उन लोगों को यहाँ पर ट्रेन करो, हमारा लोकल लोगों को ट्रेन करो। हमको कहीं का आदमी नहीं चाहिए, हमको यहीं का टेक्नीशियन चाहिए। तो हमारे यहाँ के लोगों को ट्रेन करो, तो हमारा जो लोकल आदमी है उसको काम मिलना चाहिए, है ना? अभी वो उसको पूछेगा, अब यहाँ से बोलेगा किसी को, यहाँ से तो बोलना पड़ता है, सांस लो, सांस बंद करो, कि नहीं बोलना पड़ता है? बोलना पड़ता है ना। तो फिर वो थोड़ा सा पेशेंट हिलेगा डुलेगा तो हमको नंबर देना एजेंसी का, हम बात करेंगे। लोकल लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा, हमारा आदमी लोग बड़ा अनएम्प्लॉयड है। दार्जिलिंग कालिम्पोंग आने से क्या होता है, हमारे डोमिनेटेड एरिया में आने से हमारा लैंग्वेज जानना जरूरी है। तुम क्लास लेना ट्यूशन, ठीक है? ओके, ए नेपाली बोलते सिखाओ शॉप के। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा शॉप नीचे लो, तुम्हारा काज की टेक्नीशियन, तुम्ही की करो ये टेक्नीशियन। अच्छा, सिटी टेक्नीशियन तुम्ही, এখানে তুমি আমাদের লোককে ট্রেন করাও। তোমার সার্টিফিকেটটা দেখি তুমি, তোমার এনএসএ থেকে তোমাকে এজেন্সি দিয়েছে তো কাজ? হ্যাঁ, সার্টিফিকেট দেখি তোমার কোথায় আছে, মোবাইলে আছে দেখো, ডিপ্লোমা আছে? বিএসসি তুমি? হ্যাঁ, সার্টিফাইড তুমি, খালি সার্টিফাইড। এই সার্টিফাইড কাজ করতে পারে তাহলে আমাদের লোকও সার্টিফাইড কাজ করতে পারে এখানে। ও তো বিএসসি, ডিপ্লোমাও তুমি পড়শু করনি এখনো, তুমি তো সার্টিফাইড অনলি। হ্যাঁ, তুমি তো কোনো প্রাইভেট এই সেক্টরে কাজ করে ওখান থেকে সার্টিফাইড করে আসেছো, তাহলে গভর্নমেন্টেই ট্রেনিং নিয়েছে, স্কিল ডেভেলপমেন্ট করেছো। নেই হতা এসে তো ইয়া পর বাহার কা আদমি নেই চাহিয়ে, জো পসিবিলিটি হ্যায় হামারা আদমি আগর ফিজিবল হ্যায় তো হামারা আদমি কো কাম মিলনা পড়েগা।
हाँ नहीं नहीं एकदम क्यों नहीं है, आप लोग एडवर्टीजमेंट कीजिए ना, हम लोग निकाल देंगे आपको यहाँ पर। हमारे पास ये बिलिंग नहीं कर सकता क्या? हमारा आदमी कर सकता है बिलिंग का आदमी, आप कलकत्ता से ला के रखा है यहाँ पर। अरे यहाँ है अनिकेत दास, तुम्हारा अनिकेत दास ना? नहीं तो अनिकेत दास तो बोलते है, बोलो तो। हेलो गुड मॉर्निंग सर, तुम्हें की करो? इंटर्नशिप का भाई है ना सर? कहाँ को मैं? इंटर्नशिप का भाई है ना आया मुंबई? हाँ बोले राखे यहाँ इंटर्नशिप का भाई आया है ना? कसरी राख्छ कंपनी ले? ठीक है हम बाद में बात करेंगे आपसे इस मामले में, ठीक है? ठीक है ठीक। दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। मेल हाइट 5.7 इन्चेस, फिमेल हाइट 5.4 इन्चेस, क्वालिफिकेसन 10 पास, उमेर 21 देखि 38 वर्षसम्म, स्यालेरी 51,000, कार्गो एजेन्टको स्यालेरी 39,000, फ्री एकोमोडेसन, मेडिकल ट्रान्सपोर्ट इन्सुरेन्सको सुविधा पनि रहेको छ। इन्टरभ्यू 20 अगस्त 2024 मंगलबार, स्थान फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी, नियर इस्कन मन्दिर, सिलगढी। कन्ट्याक्ट 9800886855।